नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपर फास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश की समाजवादी परिवार में चल रहे सियासी घमासान के बीच पहली बार सुलह की गुंजाइश दिख रही। परिवार का झगड़ा सुलझाने के लिए मुलायम सिंह यादव एक बार फिर लखनऊ पहुंच गए हैं। पिता से मिलने खुद अखिलेश उनके घर पर पहुंचे। मैं इस्तीफा देने को तैयार, शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सियासी झगड़े के बीच लखनऊ पार्टी दफ्तर पर बुलाई गई बैठक के बाद शिवपाल सिंह यादव ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि अगर अखिलेश कहे तो वो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को तैयार। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को भी बुलाया था, लेकिन वो सीएम हाउस में विधायकों के साथ मीटिंग करते रहे। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, सभी एक हैं। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को होने वाले पार्टी के रजत जयंती समारोह पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ध्यान दें, उसकी तैयारी में कोई कोर कसर न छोड़े। हालांकि इससे पहले अखिलेश के करीबी दोस्त और एमएलसी उदयवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर यह दावा किया था कि परिवार के भीतर से भी अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश हो रही और शिवपाल सिंह यादव इसमें शामिल। यही नहीं, इस खत में सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना अपने सौतेले बेटे अखिलेश यादव के प्रति द्वेष की भावना रखती है और शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी से जलते हैं। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि मुलायम के लखनऊ पहुंचने के साथ झगड़ा सुलझने की उम्मीद है, जिसके तहत अखिलेश की रथ यात्रा को मुलायम सिंह यादव हरी झंडी दिखा सकते हैं और अखिलेश भी 5 नवंबर को होने वाले सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। वैसे शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 5 नवंबर के कार्यक्रम पर ध्यान दें, अखिलेश का कार्यक्रम आगे पीछे भी हो सकता है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ राजनेता बेनी प्रसाद वर्मा ने समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर कहा कि पार्टी को किसी राक्षस का श्राप लग गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अंदरूनी संघर्ष ठीक नहीं। मुलायम सिंह यादव फोन पर खुश नहीं लग रहे थे। हमें लगता है कि पार्टी को किसी राक्षस का श्राप लग गया है। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक साझेदार रहे राष्ट्रीय लोकदल और जदयू गठबंधन के ने मुलायम सिंह यादव के समाजवादी होने पर सवाल खड़े किए। बुलंदशहर में आयोजित गठबंधन की महारैली में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने मुलायम पर सोशलिस्ट न होने के आरोप लगाए। बीजेपी की केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राज बब्बर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। साध्वी ने कहा कि अपना परिवार संभल नहीं रहा तो हम पर आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ बातचीत के बारे में कड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान हमें उकसाकर बातचीत की उम्मीद नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो भारतीय जवानों के खून को बेच रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव जीतने के लिए सेना के जवानों का खून बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फौजी किसी सरकार का नहीं होता, बल्कि फौजी हिंदुस्तान का होता। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर वायलेशन किया है और इसी इलाके में 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तानी आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। इसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान को भी मार गिराया। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने ऐलान कर दिया कि उनके छोटे बेटे एम के स्टालिन उनके राजनीतिक वारिस होंगे। हालांकि 92 साल के करुणानिधि के खुद के राजनीति से संन्यास लेने की बात को उन्होंने खारिज कर दिया है। करुणानिधि के इस बयान ने उनके बेटे अलागिरी के पार्टी का प्रमुख बनने की संभावना को लगभग खारिज कर दिया है। छात्रों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से 6 साल पहले खत्म की गई सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा को फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। सरकार इस बारे में विचार कर रही है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन को इसके बाबत सूचित किया गया। दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, आज दिल्ली पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया गया। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस में गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। सरकार ने हवाई संपर्क की नई योजना उड़ान को लॉन्च कर दिया है। उड़ान यानी कि उड़े देश का हर आम नागरिक के जरिए। सरकार की कोशिश गैर सेवा या कम सेवा वाले हवाई अड्डों के बीच उड़ान की सुविधा को मुहैया कराना।
इसमें 500 किलोमीटर की उड़ान के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 2500 रुपए तय किया गया है। भारतीय कबड्डी के स्टार प्लेयर रोहित शुल्कर को पत्नी ललिता की आत्महत्या मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी पत्नी ललिता की आत्महत्या मामले पर रोहित शुल्कर ने सफाई दी। रोहित के मुताबिक उसने ललिता को दहेज के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया और उस पर लगे सारे इल्जाम गलत। भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की कुल आय एस्टोनिया की जीडीपी के बराबर पहुंच गई है। मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल भी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा हासिल करने में सफल हुए। उनकी आय लगभग 22.7 अरब डॉलर यानी 1,52,090 करोड़ रुपए हो गई, जो कि एस्टोनिया की जीडीपी के बराबर। त्रिपुरा सरकार ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर के घर तक सड़क बनाने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया ताकि दीपा सचिन तेंदुलकर से तोहफे में मिली बीएमडब्ल्यू X1 कार को आसानी से चला सके। गोरक्षकों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में मांग की गई है कि गोरक्षा दलों पर सलवा जुदूम की तर्ज पर पाबंदी लगाई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को अगली सुनवाई में अदालत में पक्ष रखने को कहा। दिल्ली में गंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने लैंडफिल साइट्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इन साइट्स पर कूड़े का ढेर 45 मीटर तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इलाके के विधायक आखिर क्या कर रहे हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें कूड़े को लेकर काम करना चाहिए। पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ याचिका मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि खरीदारों से पैसे लिए बिना 2 दिनों में फ्लैट सौंपे जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुआवजे के बारे में बाद में विचार होगा। जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताभ राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को 2 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में शोर मचने लगा। शोर मचाने वाले वकील से मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए। इतना नाराज हो गए कि वकील को जमकर झाड़ लगाई। मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने कहा कि कोर्ट को मछली बाजार न बनाएं। वकीलों को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि शोर बंद नहीं हुआ तो बाहर निकलवा दें। सुप्रीम कोर्ट में सहारा के खिलाफ सेबी की याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को 200 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था और इसी शर्त पर सुब्रत राय की पेरोल 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी। आज की सुनवाई में आयकर विभाग ने 7000 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स का दावा पेश किया। सहारा की संपत्ति बिकने पर इस रकम का भुगतान होना। गंगा की सफाई को लेकर NGT में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड गंगा से जुड़े नालों की संख्या बताने में असमर्थ रहा। उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी की मात्रा बताने में भी बोर्ड ने असमर्थता जाहिर की। सवालों के जवाब न मिलने पर NGT ने सख्त चेतावनी दी है। NGT ने सोमवार तक आंकड़े पेश करने का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को लेकर BCCI को 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने से पहले स्टेट एसोसिएशन को फंड नहीं दिया जा सकता। केरल में मीडिया कक्षों को खोलने के लिए एक याचिका पर सुनवाई की गई। केरल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट से सीनियर वकील V. Giri ने सुनवाई को 4 हफ्तों तक स्थगित रखने का आग्रह किया। अदालत ने बातचीत से विवाद सुलझाने की बात कही है। अब मामले की सुनवाई दिवाली के बाद होगी। बिल्डर के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त हो गया है। मुंबई नगर निगम को फटकार लगाते हुए अदालत ने खूब पिटाई की। अदालत ने कहा कि निगम बिल्डर की धुन पर नाचता है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। उत्तर प्रदेश में महामारी की शक्ल ले चुके डेंगू के मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बार फिर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार से पर मौत के आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे, उसे रोकने की कोशिश नहीं हो रही। जस्टिस AP शाही और जस्टिस GK उपाध्याय की बेंच ने इस मामले की जांच के लिए और भविष्य में इन हालात को रोकने के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के BJP में शामिल होते हुए उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर निशाना साध रही है। विजय बहुगुणा कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए थे।
2017 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, तो वही कांग्रेस सरकार ने 15 नवंबर के बाद इलेक्शन मोड में आने का फैसला किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव को लेकर हुई बातचीत में राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार में मंत्रियों को जिम्मेदारी देते हुए 2017 के चुनाव में मंत्रियों को अगल बगल की 3 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सरकार अपना अंतिम विधान सत्र गैरसैंण में आयोजित करना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां भी कर ली। माना जा रहा है कि इस बार गैरसैंण में 3 दिवसीय सत्र सरकार बुलाने जा रही है, जो संभवतः दीपावली से पहले आयोजित हो सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल से सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने 2013 में हुई प्राकृतिक आपदा पर बड़ा बयान दिया। कोश्यारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपदा में मरने वाले लोगों के मिल रहे कंकालों की कोई चिंता नहीं है, अब यही कंकाल उन्हें सत्ता से बेदखल भी करें। राज्यपाल केके पॉल की ओर से लोकायुक्त की फाइल दोबारा वापस भेजने पर जहां हरीश रावत सरकार की जमकर खिड़खिड़ी हो रही, वहीं नेता प्रतिपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का लोकायुक्त फाइल दोबारा लौटाने पर कहना है कि सरकार ने सर्च कमेटी में ही दागी लोगों को नामित किया था। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि अब बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है, पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता और कैडर अब चुनावी जंग में कूदने को तैयार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विवेक टीम कोष से जो लाभांश बांटा है, उनमें से करीब 90% लोग खुद उनके विधानसभा क्षेत्र से। वित्त मंत्री अरुण जेटली 22 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान अरुण जेटली राजधानी देहरादून में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे और अपनी राय बुद्धिजीवियों के बीच में रखेंगे। देश में चीन के हो रहे विरोध के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामदेव ने चीन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि चीन ने भारत के साथ हमेशा दगा किया है। बागेश्वर जनपद में के गरुड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी सड़क सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए सड़क चौड़ीकरण पर अब जमकर अतिक्रमण किया जा रहा है। मंडी से लेकर काठगोदाम तक 25 करोड़ खर्च कर पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क तो चौड़ी कर दी, लेकिन हालात पहले से ज्यादा खराब हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी अब तक शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों की याद में आज पुलिस लाइन में स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस आवास और चौकियों के रखरखाव के लिए 7 करोड़ रुपए देने और नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। काशीपुर में खाना बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर में गैस लीकेज होने की वजह से सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से लगी आग से झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखा सारा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। बागेश्वर से करीब 10 किलोमीटर दूर 15 पाली के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी, जिसमें 3 लोग सवार थे। तीनों घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर तीनों घायलों को उपचार के बाद जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। बागेश्वर जनपद के बैजनाथ थाना क्षेत्र के गरुड़ बाजार मंडी परिसर में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि मृतक के पास से बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रसीद मिली। ऊधम सिंह नगर जिले में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार यादव ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट से 3 प्रचार वाहनों और स्कूली छात्र छात्राओं के साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष सरोजनी कैंतूरा ने ब्लॉक सभागार में लोक अदालत लगाई। इस दौरान दर्जनों महिलाओं ने महिला उत्पीड़न समेत तमाम दूसरे मसलों को उठाया।
ऊधम सिंह नगर के चिक्षा थाना क्षेत्र के यूपी बॉर्डर पर कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने कत्ल की वारदात को बुधवार के रोज करवा चौथ के दिन अंजाम दिया। कानपुर के घाटमपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने 1980 मेगावाट क्षमता के घाटमपुर तापीय बिजली संयंत्र को हरी झंडी दे दी है। ये संयंत्र नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच बने संयुक्त उपक्रम को नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नाम दिया गया है। उन्नाव में शहीद हुए पुलिस वालों को सम्मान देने के लिए सुबह 5:30 बजे एक दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ साथ आम जनता ने भी हिस्सा लिया। मैनपुरी में नशे में धुत वर्दीधारी पुलिस के सिपाही ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। ये सिपाही तकरीबन एक घंटे तक मैनपुरी के रोडवेज बस स्टैंड के नजदीक सड़क पर झूमता रहा। सहारनपुर पुलिस ने देवबंद से लेकर बिजनौर तक कई जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनमें 2 सरकारी कर्मचारी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पॉश सोसाइटी शिप्रा कृष्णा विस्टा के फ्लैट नंबर 417 में चोरों ने धावा बोलकर 1 करोड़ के माल पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके के दीवाना गांव में एक महिला के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल होने से हलचल मच गया। यहां एक तांत्रिक महिला के साथ भूत भगाने के नाम पर उसे बीड़ी से जलाता नजर आया। मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में उस वक्त कोहरा मच गया जब महाविद्यालय कॉलोनी के बीच बने पार्क में मौजूद सीवर टैंक धंस गया और पार्क में खेल रहे 6 बच्चे उसमें समा गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट की सीरीज में डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बोर्ड ने ट्रायल बेसिस पर डीआरएस को अपनाने की बात कही। टीम इंडिया मौजूदा वक्त में अभी अपना घरेलू सीजन खेल रही है। फिलहाल भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई है और वनडे सीरीज के 2 मैच अब तक खेले जा चुके हैं जो 1-1 की बराबरी पर। दिल्ली वनडे में टीम इंडिया की हार पर चर्चा करते हुए पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया को नसीहत देते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम वनडे वर्ल्ड कप की उप विजेता है। दिल्ली वनडे में हार के साथ ही टीम इंडिया वनडे इतिहास में अपना 400वां मैच गवा बैठी है। इस मामले में वो नंबर 1 है। भारत ने धर्मशाला में ही अपना 900वां वनडे खेला था जिसमें जीत दर्ज की थी, लेकिन 901वें मैच में उसके खाते में हार। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु को जोनेक्स डेनमार्क ओपन में हार का सामना करना पड़ा। भारत की दूसरे नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में बाहर हो गई। रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु ने हाल ही में एक स्टाइलिश फोटोशूट करवाया है। ये शूट उन्होंने JFW मैगजीन के लिए करवाया। पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रुपिंदर पाल सिंह के 6 गोल की मदद से भारत ने यहां क्वांटन हॉकी स्टेडियम में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए 4थे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के जापान को 10-2 से हरा दिया। बांग्लादेशी 19 साल के ऑफ स्पिनर मेहदी हसन ने 5 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट कर अपने डेब्यू टेस्ट में धमाकेदार आगाज किया। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक ने अपनी पत्नी सानिया मिर्जा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने सानिया के खेल की जमकर तारीफ की और उनका मानना है कि एकल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करना बेहद कठिन। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग तेज। इराकी और कुर्दिश आर्मी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग को तेज कर दिया है। अबू बकर अल बगदादी तीनों तरफ से गिर गया। हालात ये हैं कि आतंकी महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग रहे हैं। सीरिया में हुई भीषण बमबारी में करीब 500 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। यह हमला रूस और सीरिया के विमानों से किया गया।
पाकिस्तान के एक प्राइवेट टीवी चैनल की महिला रिपोर्टर को लाइव कवरेज के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड ने थप्पड़ जड़ दिया। K21 नाम के चैनल की पत्रकार उस वक्त एक दफ्तर के बाहर लोगों की समस्या को लेकर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। पत्रकार का नाम साइमा कनवाल बताया जा रहा है। पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों ने कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के बारे में ब्रिटिश सांसदों को जानकारी दी है और ब्रिटेन की सरकार ने से इस मुद्दे में समाधान में मदद भी मांगी। जापान के पश्चिम भाग में 6.6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।